इस लेडी के आर्म में प्रेत पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा पतला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से बहुत सारे कीड़े को रिमूव किया। और ये हमारा काफी शानदार चाकू था जो कि भी कुछ कीड़े को रिमूव किया। और ये हमारा बावना चाकू जो कि रेड वाले कीड़े को निकाल दिया एक ही बार में। और देखिए कुछ गिनर टाइप के कीड़े को हम लोगों ने भी रिमूव कर दिया है पूरा का पूरा। और देखिए ये छत वाला कीड़ा भी गिर के निकल चुका है पूरी तरह। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाला कुछ कीड़े को। और ये भी कुछ कीड़े थे जो कि ये भी फिनिश हो चुके हैं। और देखिए हमारा क्रोमोला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को। और देखिए कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए कीड़े को टांगों को हम लोगों ने बड़े वाले चाकू से रिमूव किया। और ये हमारा बड़ा वाला चाकू बड़े वाले कीड़े को काट के निकाल दिया। हमारा आगे दवा एक जगह तो दवाई लग गया, अब दूसरी जगह भी हम लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके से लगा दिया। अब आ जाएगा हमारा कॉटन वूल रुई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो फाइनली टाइमर चलना चालू हो गया है और फाइनली देखते हैं तो फाइनली आप लोग देख सकते हो बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने डीप ट्रीटमेंट एनिमेशन किया है इस लड़की के पूरे ही क्रो पे और पूरे पूरे हैंड पे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं जो कि हम चिमटी के माध्यम से, देखिए कुछ कीड़े को रिमूव करेंगे, बाकी के कीड़े को हम लोग चाकू के माध्यम से रिमूव करेंगे। और देखिए हमारा लास्ट वाला कीड़ा था जो कि ये रिमूव हो चुका है हमारे चिमटी के माध्यम से। आगे हमारा बड़ा वाला चाकू। और देखिए इस होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से काट दिया है। और ये सिंग वाले कीड़े को भी एक ही बार में निकाल चुका है पूरा का पूरा। तो ये पूरे जख्म वाले कीड़े लग चुके थे जो कि ये भी निकल चुके हैं पूरे के पूरे। देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा, भी एक कीड़ा बचा है। तो ये भी कीड़ा बहुत ही सेफ तरीके से निकल चुका है बहुत ही औसम तरीके से। आगे क्रोम वाला चाकू हमारा। क्योंकि इस ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को एक ही बार में रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा। हैंड वाला चाकू भी निकालेगा। तो देखिए हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है कुछ कीड़े को ये भी। और ये ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े बहुत ही ज्यादा लग गए हैं इसके पूरे ही हैंड एंड क्रो पे।
और ये देखिए ग्रेनेड टाइप के कीड़े भी गिर चुके हैं। अभी कुछ और कीड़े बचे हुए हैं, ये रेड वाले कीड़े। तो देखिए रेड वाले कीड़े भी निकल के गिर चुके हैं पूरे के पूरे सेफ तरीके से। आ गया रेतीला वाला चाकू हमारा। तो देखिए इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को भी निकाल दिए हम लोग। और ये पिंक ट्राइफोफोबिया भी निकल चुका है ऑसम तरीके से। आ गया हमारा ब्लैक वाला चाकू। और देखिए ब्लैक वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है कीड़े को एक ही बार में। और ये देखिए लीज लीज वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। आ गया हमारा सेफ वाला चाकू जो कि डीप क्लीन करता है। और देखिए पूरी तरीके से ये भी काट के निकाल दिया है पूरे कीड़े को। अभी कुछ कीड़े बचे हुए हैं। और ये घिनौने टाइप के कीड़े एक ही बार में कट के गिरे। और देखिए एक हैंड तो बिल्कुल ही डीप क्लीन हो चुका है लेकिन अभी एक हैंड में बचे हैं कीड़े। तो देखिए स्प्रे हम लोग डाल देते हैं पूरे ही हैंड एंड क्रो पे। देखिए क्रो पे लगे हैं कीड़े जो कि हम लोग रिमूव कर चुके हैं। अभी इसका भी रुई के माध्यम से रिमूव करेंगे। तो देखिए रुई आ गया हमारा। तो देखिए टाइमर चल चुका है जैसा आप लोग देख सकते हो। इस लड़की को बहुत ही ज्यादा लग गए हैं कीड़े जो कि हम लोग चाकू के माध्यम से रिमूव करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए हम लोग फंगल को बहुत ही सेफ तरीके से चाकू से काटें। और ये वाले भी फंगल कट के गिर चुके हैं बहुत ही औसम तरीके से। आ गया हमारा दूसरा वाला चाकू। ये देखिए जख्म वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल चुका है पूरा का पूरा। और ये रेड वाले के खतरनाक कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल चुका है। आगे हमारा दूसरा चाकू। और ये देखिए बहुत ही औसम तरीके से काट के निकाल चुका है कीड़े को। आ गया गुडल चाकू हमारा। और देखिए बहुत ही सेफ और डीप क्लीन के साथ क्लीन कर चुका है हमारा चाकू। और ये छोटे छोटे फंगल थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े ये भी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये भी देखिए घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए फाइनली अभी भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े अंदर लगे हुए हैं जो कि हम हैंड वाले चाकू से रिमूव करेंगे। तो देखिए हमारा हैंड वाला चाकू ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को एक ही बार में काट के निकाल चुका है। हम लोग दवा लगा देते हैं। तो देखिए दवाई लग चुकी है, हमारे दवा का काम खत्म हो चुका है। आगे हमारा कॉटन वूल रुई और ये साफ करेगा। तो टाइमर चलने देते हैं। टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है।
गाइस न्यू ट्रीटमेंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, लड़की के पूरे ही कांख वाले हिस्से में बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लगे हैं। और देखिए, हम चाकू के माध्यम से बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किए कुछ कीड़े को। और ये कुछ बहुत ही खतरनाक वाले कीड़े थे जिसको हम लोगों ने काट दिया है चाकू के माध्यम से। और ये मैंगोड्स वाले कीड़े हैं जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ और औसम तरीके से। और ये घिनौने टाइप के थे फंगल वाले कीड़े, वो भी निकले। और ये ब्लैक वाले ट्राइफोफोबिया नाम के वायरस थे, वो भी रिमूव हो चुके हैं। और ये भी कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे, वो भी रिमूव हुए। आगे हमारा रेतीला वाला चाकू। और देखिए, वार्ड वाले कीड़े को हम लोगों ने एक ही बार में रिमूव किया। और ये मैंगोड्स वाले घिनौने कीड़े थे, ये भी रिमूव हुए। अभी रेड वाले कीड़े बचे हैं। और ये रेड वाले भी कीड़े गायब हो चुके हैं बिल्कुल ही ट्रीटमेंट की तरफ से। और ये मैंगोड्स थे जो कि रिमूव हुए ऑसम और लुक तरीके से। और ये कुछ घिनौने टाइप के मस्तिष्क वाले वायरस थे। जख्म वाले कीड़े भी, ये भी रिमूव हो चुके हैं। और हम लोग इस तरह का दवा डालेंगे। तो देखिए, एक जगह दवाई पड़ चुकी है और दूसरी जगह पे देखिए दवा पड़ चुकी है। बहुत ही सेफ तरीके से हम लोग कॉटन वुल रुई से इसे साफ़ करेंगे। तो टाइमर चलने देते हैं। टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। हेलो गाइस, जैसा आप लोग देख सकते हो, इस लड़की के क्रो पे बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा वायरस। और हम इसका आज ट्रीटमेंट करेंगे पूरा फुल। इसका ट्रीटमेंट होगा डीप क्लीन के साथ। तो हैंड वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से कुछ कीड़े को रिमूव किया। और ये हमारा शाइनिंग वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से दो कीड़े को काट के गिराया। और ये घिनौने टाइप के कीड़े को एक ही बार में काट के गिरा दिया। आगे हमारा हैंड वाला चाकू। और ये फंगल को काट के रिमूव किया एक ही बार में। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे, इसको भी रिमूव कर दिया है। और ये हमारा सिल्वर वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से काटा कुछ कीड़े को।
और ये तीन जो घिनौने टाइप के कीड़े थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू, और ये होल वाले कीड़े को बहुत ही ऑसम तरीके से काट के रिमूव कर दिया है। और ये घिनौने टाइप के कीड़े को एक ही बार में हमारा चाकू काट के गिरा दिया पूरा। और ये कुछ गोल वाले कीड़े थे उसको भी सेफ तरीके से निकाला। आ गया हमारा क्रोमा चाकू, और ये काटेदार वाले कीड़े को एक ही बार में सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा। हम लोग स्प्रे से दवा डाल देते हैं, तो देखिए जवाई पड़ चुकी है। अब हम लोग कॉटन वूल से इसे साफ कर देंगे पूरे के पूरे। तो टाइमर चला देते हैं, टाइमर चलाने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। तो इस मैन के पूरे ही कांख वाले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग गए हैं, तो हम इसको चाकू के माध्यम से रिमूव करेंगे आज पूरा फुल इसका ट्रीटमेंट करके। तो देखिए हमारा चाकू फंगल वाले कीड़े को रिमूव किया बहुत ही सेफ और ऑसम तरीके से। आ गया दूसरा चाकू, और ये भी देखिए कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं। आ गया दूसरा चाकू हमारा ग्रीन वाला, और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से इसको रिमूव कर दिया है। और देखिए ये मैंगोट्स थे ब्लैक वाले जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए बहुत सारे घिनौने टाइप के कीड़े लग गए हैं इसके पूरे बदन पे। और ये भी बहुत ही डेंजरस वाला कीड़ा था जो कि लग चुका था, ये भी रिमूव हुआ। और ये छोटे छोटे मैंगोट्स थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा दूसरा चाकू, और ये कांटे वाले कीड़े को रिमूव किया। अभी फिंगर्स वाले कीड़े को रिमूव करेंगे हम लोग। अभी ये मैंगोट्स वाले कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। अभी हम लोग इसको रिमूव करेंगे फिंगर वाले को। तो देखिए फिंगर्स वाले रिमूव हो चुके हैं कीड़े। और ये ब्लैक टाइप के कुछ घिनौने कीड़े थे इसको रिमूव किए हम लोगों ने। और ये छोटे छोटे वार्ट थे जो कि इसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया। और ये देखिए घिनौने टाइप के ये भी कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। हैंड वाला चाकू हमारा आया। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हमने काट दिया सब सारे वायरस को। और देखिए आगे हमारा स्प्रे, तो देखिए दवा पड़ चुकी है। अब हम लोग इस पे कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे। तो टाइमर चलने देते हैं, टाइमर चलने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है भाई लोग। क्रो और हैंड पे हुए हैं कीड़े, और देखिए हम लोग चिमटी के माध्यम से इस ब्लैक वाले कीड़े को रिमूव करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से। और इस लड़की के पूरे हैंड और क्रो को पूरा का पूरा हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे आज बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए हमारा हैंड वाला चाकू आया जो कि होल वाले कीड़े को काटा।
और ये दूसरे वाले होल वाले कीड़े को बहुत ही औसम तरीके से काट के गिरा चुका है। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू, जो कि देखिए रेड वाले कीड़े को बहुत ही औसम तरीके से काट के निकाल चुका है पूरा का पूरा। और इस वाले भी कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। और देखिए हमारा पतला वाला चाकू भी सेफ तरीके से काटा। तो फाइनली देख सकते हो गिर चुके हैं बहुत सारे कीड़े, कट के रिमूव हो चुके हैं। और देखिए मैंगोस भी रिमूव हुए। और कुछ मैंगोस इसके दूसरे वाले हैंड पे लगे थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काम किया अपना। और इस रेड वाले कीड़े को भी बहुत ही सेफ तरीके से काटा हमारे गोल्डन वाले चाकू ने। ये ब्लैक वाला फंगल वाला कीड़ा भी कट के निकला। और दूसरा वाला भी फंगल वाला कट के निकल चुका है एक ही बार में। और ये जख्म वाले कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। और ये दूसरी जगह भी जख्म वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और अभी ये लास्ट वाले कीड़ा है ये भी रिमूव हुआ। और ये दूसरे वाले भी हैंड वाले चाकू को काट दिया। आगे हमारा दवा, और दूसरे हैंड पे भी दवा बहुत ही सेफ तरीके से लग चुका है। और आगे अब हमारा कॉटन वुल रुई, तो देखिए बहुत बड़ा है कॉटन वुल रुई हमारा। तो देखिए हम लोग टाइमर भी चला देते हैं, टाइमर चलाने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, आर्म पेट पे हो गए हैं कीड़े। और देखिए बहुत ही घिनौने टाइप के कीड़े लग चुके हैं इस लड़की के आर्म पेट पे। तो देखिए हम सेफ तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए बहुत ही औसम तरीके से गिर चुका है कीड़ा। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू। और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से इस कीड़े को निकाल के एक ही बार में रिमूव किया। और ये हमारा रेतीला वाला चाकू भी बहुत ही औसम तरीके से काट के निकाला कुछ कीड़े को। और देखिए हमारा क्रोम वाला चाकू भी सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है बहुत सारे कीड़े को। और ये देखिए इसके फंगल थे वो भी निकले। और ये छोटा वाला फंगल भी निकल चुका है एक ही बार में। और आगे हमारा पतला वाला चाकू। देखिए बहुत ही औसम तरीके से ट्रीटमेंट किया है फंगल वाले कीड़े को। और अब ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े थे ये भी रिमूव हो चुके हैं।
और ये भी कीड़े थे, ये भी गिर चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और ये वाले कीड़े भी निकल के गिरे बहुत ही औसम तरीके से। और ये होल वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से कट के निकल चुके हैं पूरे के पूरे। और ये काटेदार वाले कीड़े थे, ये भी निकल गए हैं एक ही बार में। तो देखिए अब घिनौने टाइप के कीड़ा बचा हुआ है जो कि हम लोग उस पर दवा लगा दे रहे हैं। तो देखिए दवाई भी लग चुकी है और आगे हमारा कॉटन वूल रुई। तो हम लोग टाइमर भी चला देते हैं और टाइमर चलाने के बाद देखते हैं इसके आर्म प्रीत पे अच्छे से ट्रीट। आर्म प्रीत पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा बेलचा वाला कटर जो था बहुत ही सेफ तरीके से ट्राइपोपोविया वाले कीड़े को निकाला। और ये ब्लैक वाले कीड़े से जो कि बेहद ही खतरनाक होते हैं, इसको भी काट कर रिमूव कर दिया हम लोगों ने। और ये कुछ खिनवाई टाइप के कीड़े हैं जो कि हमारे हैंड वाले चाकू ने रिमूव किया एक ही बार में। और ये आंख वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के रिमूव हो चुके हैं। और ये रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के रिमूव हुए। आगे हमारा रंग बिरंगा चाकू। जो कि देखिए ट्राइपोफोबिया वाले कीड़े को एक ही झटके में काट के रिमूव कर दिया है। आगे रतीरा वाला चाकू हमारा। और देखिए लीजी वाले कीड़े को एक ही झटके में काट के रिमूव किया बहुत ही सेफ तरीके से आ गया। और कुछ कीड़े को हम लोगों ने देखिए बड़े वाले चाकू से रिमूव किया एक ही बार में। और ये ट्राइपोपोबिया वाले रेड वाले कीड़े से जो कि ये भी सेफ तरीके से कट के रिमूव हुई। और ये बीन्स वाले कीड़े भी देखिए सेफ तरीके से कट चुके हैं। ब्लैक वाले कीड़े को निकालेंगे हम लोग। और ये ब्लैक वाले कीड़े निकल चुके हैं, अभी हम ब्लैक वाले ट्राइपोफोबिया को निकालेंगे। तो हमारा गोल्डन वाला चाकू काट रहा है। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकल चुका है। अब हम लोग ट्राइपोफोबिया पे लगाएंगे दवा। तो देखिए दवाई लग चुकी है और ये दवा हमारा चल भी चुका है। आगे हमारा कॉटन वूल रुई। अब हम लोग इस पर टाइमर चला देते हैं। तो टाइमर